एज यू कैन सी द ग्लो ऑन माई फेस. तो यहाँ पे मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, प्योर सेंस हैज लॉन्च टू अमेजिंग सनस्क्रीन. तो ये देख सकते हैं आप, इनकी दो सनस्क्रीन मेरे पास में है. फर्स्टली मेरे पास में आप देख सकते हो ये है SPF PA++ के साथ में है. ये मैट जेल सनस्क्रीन है विथ नाइसिनामाइड एंड एलोवेरा जेल के साथ में, प्योर सेंस की है ये. एंड सेकेंड देन ये है मेरे पास में भी प्योर सेंस की SPF PA++ ग्लो क्रीम सनस्क्रीन विथ नाइसिनामाइड एंड सैफ्रन एक्सट्रैक्ट. तो ये दो सनस्क्रीन है, इनका रिव्यू मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ. इट हैज़ अ हाई लेवल ऑफ सन प्रोटेक्शन SPF 50 PA++ विच शील्ड ऑफ UV एंड UVB से हमें ये प्रोटेक्शन देगी ये सनस्क्रीन. सो आप ये देख सकते हैं एंड इसका लाइट वेटेड, आई लव दिस लाइट वेट एंड इस काफ़ी नॉन ग्रीजी सी है. सो आई एम वेरी ग्लैड, ये बहुत ही अच्छा सा प्रोडक्ट है. इस सीज़न के लिए आपको इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना चाहिए और समर में ये बिल्कुल ही परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर समर. सो ये आप देख सकते हैं, मुझे इसका टेक्सचर एंड ग्लो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है. समर में आप इसे यूज़ कर सकते हैं. आज की वीडियो में मैं आपके साथ में यही शेयर करने वाली हूँ कि आप किस तरह से अपनी स्किन को समर में सेव कर सकते हैं सनस्क्रीन के साथ में. तो मैं आपको इसकी एप्लीकेशन भी दिखाती हूँ और साथ ही साथ में सनस्क्रीन की इंपॉर्टेंस भी दिखाऊंगी और कुछ बेनिफिट्स टिप्स भी आपके साथ में शेयर करूंगी. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है SPF 50 का ग्लो क्रीम सनस्क्रीन. तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की है. इट हैज़ कम इन सैफ्रन एंड एक्सट्रैक्ट एंड नाइसिनामाइड. इसमें हमारा नाइसिनामाइड है एंड सैफ्रन एक्सट्रैक्ट है. तो काफ़ी अच्छा है ये हमारी स्किन के लिए, हमारी स्किन को ब्राइटन अप करेगा, इवन टोन करेगा. तो काफ़ी क्रीमी फॉर्म में है, तो आप इसे ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं. सो आप ये देख सकते हैं, मैं इसे आपको 2 फिंगर के अप्लाई के तरीके दिखाना बताऊँगी क्योंकि इसी की हेल्प से आप सही तरीके से क्वान्टिटी में यूज़ कर सकते हैं. जिस तरह से मैंने 2 फिंगर में इसे लिया है, ये एक तरीके का रूल होता है लगाने का सनस्क्रीन. तो आप इसी तरह से ही लगाया करें, इससे आपको काफ़ी अच्छी सी क्वांटिटी पता चल जाएगी कि आपने इसे कहाँ और कितनी क्वांटिटी में लगाना है. तो फुल आप देख सकते हो मेरे फेस पे एंड नेक पे मैं इसे ऑल ओवर अप्लाई कर रही हूँ. 2 फिंगर की हेल्प से आपको काफ़ी अच्छा लगेगा इसको लगाने में, तो आप इसे लगा सकते हैं. मैं इसे अपने फुल फेस पे एंड नेक पे अप्लाई कर रही हूँ. सो नेक्स्ट मैंने इसे काफ़ी अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है एंड ये आप मेरे फेस पे इंस्टेंट ग्लो भी देख पाओगे जिसने दिया है. इसने ना ही कोई वाइट कास्ट छोड़ा है ना ही कुछ, तो ये रिजल्ट आप देख सकते हो. और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं. एंड सेकेंड नेक्स्ट मैं आपके साथ में दिखा रही हूँ SPF PA++ की मैट जेल सनस्क्रीन. वो हमारी ग्लो क्रीम थी एंड ये मैट जेल सनस्क्रीन है. तो आप देख, दिस कम्स इन्फ्यूज विद एलोवेरा एंड नाइसिनामाइड. तो इसमें हमारा नाइसिनामाइड एंड एलोवेरा है, तो ये हमारी स्किन को काफ़ी अच्छे से स्मूथ करेगा, सूदर बनाएगा एंड स्किन को मॉइस्चराइज करेगा. रिपीटिंग दिस सेम आपको सेकेंड तरीके से भी जो आपको लगाना है 2 फिंगर की हेल्प से ही सनस्क्रीन लगानी है. मैं अगेन आपको ये चीज़ बता रही हूँ, इससे आपको अच्छा सा एक क्वान्टिटी मिल जाती है कि कितनी आपने अप्लाई करनी है. तो आपको फुल फेस एंड नेक पे से अप्लाई कर लेना है. मुझे इसका टेक्स्चर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेटेड है एंड ऑयली स्किन के लिए काफ़ी अच्छे से चली जाएगी. तो ऑयली स्किन वाले इसे ज़रूर ट्राई करना जैसे कि मैं. सो ये आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया एंड ग्लो आप मेरे फेस का देख सकते हैं, नेक पे भी काफ़ी ज़्यादा ग्लो आया है. तो ग्लो मुझे इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, आप इसे ज़रूर ट्राई करना. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. हेयर इज मस्ट सेव यू फॉर द समर, गो गेट योर सन नेशन फिक्स. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों सनस्क्रीन के साथ में. सो आई होप यू लाइक माई वीडियो. सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. इन दोनों प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो बाय बाय, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में.